डॉक्टर साहब प्लीज मेरा एंजियोग्राफी सही से करना, मुझे डर लग रहा है। और चाची ने बोला है कि मम्मी को सोने में वगैरह के गहने नहीं पहनने, वहाँ पे घर पे रख जाओ। तो अभी हम मम्मी के लिए जो घर के होते हैं मतलब नकली वाले होते हैं वो सर्च कर रहे हैं कि क्या पहन सकती है मम्मी। हाँ, क्योंकि वहाँ पे ना डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते समय सब निकलाते हैं। ये क्या चाची, ये शादी में, ये तो शादी में जाने वाले हैं। अरे कोई बात नहीं, ये पहन लो एक बार, ये पहन लो। अरे डॉक्टर यार क्यों कॉमेडी कर रहे हैं मैडम, आप अस्पताल आई हो शादी में? भगवान, मम्मी ने छोटे निमरे इनको पढ़ लो। हाय हाय डॉक्टर साहब, वो तो दीदी इसको भी नहीं रखेंगे, वो तो सब निकलाएंगे, ये कुछ नहीं रखना, बोझ में रखेंगे बोझ। यार ऐसा लग रहा है शादी में जा रही होगी। यहाँ से हॉस्पिटल जाते तक तो ये भी निकालने पड़े, कॉमेडी कर रहे हैं क्योंकि ये तो मैं इनको भी निकाल दूँ। लेकिन मैं बोलूँगी डॉक्टर साहब प्लीज जरा जोर से बोलो, डॉक्टर साहब प्लीज मेरा एंजियोग्राफी सही से करना, मुझे डर लग रहा है, है ना, डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। वो बोलेंगे मैडम बन के आई हूँ, वो बोलेंगे मैडम ये क्या पहन के आए हो आप, मुर्गे जैसे इयररिंग्स ऐसा लगी नहीं रहा। कंपनी वाले भी कैसे बना दे रही, वो मुर्गी के पंखड़े ही देखो। ये एक फैशन है मम्मी, ये मैंने आज तक नहीं बने, लेकिन जो टवल फैशन कर देंगे यार, और पहना देंगे जब उनको फैशन ही करना है, तो पहना दो उनको टवल और पहना दो। आजकल ग्रीन ग्रीन का है ना सावन, हाँ आजकल ग्रीन चल रहा है, दिखा दिखा दिखा, देखो तो ग्रीन वाला कितना बड़ा थलेसर में नहीं पहनते, एक दो दो नहीं पहने, पूरे कान भर देते हैं वो तो ऐसे ही ना। पहली बार देखी जो इतना तैयार हो क्या रही है, दो दो कुंडल पहन के आई है। ये देखो देवरानी एकदम जेठानी को तैयार करके भेज रही है कि दीदी कोई बात नहीं हॉस्पिटल है फिर भी तैयार होके जाना, दीदी आपको वहाँ सब देखेंगे तो तैयार। अच्छा माला भी पहन के जानी है, ये मैंने पहली बार पहने एंजियोग्राफी के लिए, ये भी कॉमेडी कर रही है। कैसा लग रहा है मुर्गी वाला, कॉमेडी कर रही है ना, इसलिए मैं बोलूँ मैं और कॉमेडी करूंगी। लेकिन मैं पहनूंगी कौन से, मैं इसमें से छान के मैं पहनूंगी ये वाले। अच्छा कौन से, छोटे वाले दिखाना। हाँ तो ये छोटे यहाँ पे सूट भी कर रहे हैं, ये फैशन वाले, इसकी इसको हंसाने के लिए कर रखे हैं। पहली बार मैं पहनती भी नहीं, ये वाले सही लगेंगे वैसे ना, छोटे वाले। तो ये मम्मी ने सेलेक्ट कर दिए, ये पहन के जाएगी मम्मी कल एंजियोग्राफी के लिए। मम्मी डर लग रहा है आपको? डर तो बेटा अब लगता ही है। मम्मी ने ना इतनी वीडियो देख दी ना एंजियोग्राफी की सुबह से, बाप रे। बेटा मैंने चार वीडियो देखी है जिसमें कि ज्ञान भी होता है कि डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डालेंगे नस से तार डालेंगे, इतनी बड़ी तार होती है और यहाँ तक पहुँच गई, तो मुझे अब डर नहीं लगी है। थोड़ा मतलब परेशानी तो मरीज को होती नहीं वैसे, पर डर लगता है, पर मुझे डर अब नहीं लग रहा है। तो अभी मम्मी पूरी प्रिपेयर हो गई है कि भाई डरना नहीं है ना, आप डरना नहीं। अगर बेटे डरो ना तो मैं सबको बताऊंगी, मेरी उम्र की जो भी मतलब ऐसा हो जाता है, कभी बीमार ऐसे हो जाते हैं, तो मैंने यूट्यूब में देखा कि डरना नहीं तो बीवी बढ़ेगा, आप फिर डॉक्टर बोलेंगे घर जाओ भाई, आप तो हाँ उसमें सब कुछ नॉर्मल होना, मतलब वो पहले चेक करेंगे ना आपका। हाँ वो मुझे चेक करेंगे, अगर मैं डर गई ना और बीवी बढ़ गया तो घर भेज देंगे, फिर एक महीने बाद होगा, इसलिए मुझे डरना नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ और मुझे डरना नहीं है। थोड़ा परेशानी होती है लेकिन मुझे डरना नहीं, ताकि मुझे ना और समस्या ना हो। चलो फिर हम सब आपके साथ हैं मम्मी। तो गाइस पहले हमें सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा था, उसके बाद हमने बहुत सारी वीडियोस देखी, उसके बाद हमें लगा कि नॉर्मल है, और बहुत सारे लोगों से भी हमने पता कर लिया है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर थोड़ा भी ब्लॉकेज होने लगेगा 80% से ज़्यादा तो उसके बाद वो छल्ला लगा देंगे, ताकि ब्लॉकेज जो है वो प्रॉब्लम हट जाए, और 80% से अगर नीचे हुआ तो फिर क्या होगा, दवाइयाँ ही चलेंगी। हाँ तो हमने बहुत सारे हमारे रिलेटिव हैं जिन्होंने छल्ले लगाए हैं, तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इसीलिए अब देखना होगा। वैसे तो हम चाह रहे हैं, मतलब सभी चाहेंगे यार कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अगर होता भी है छल्ला लगता भी है फिर भी ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डर तो लगता ही है, हमें भी लग रहा है, पर देखते हैं फिर कल क्या होता है। तो मम्मी ने टॉप्स का ख्याल भी छोड़ दिया है, अब ये वाले पहन लिए मम्मी, क्योंकि मम्मी झुमके पहनती है ना, हटाओ तो। हाँ ये सही लग रहे हैं, यही वाले पहन लियो मम्मी, ठीक है ठीक है। कान खाली अच्छी मिलते ना मुझे, इसलिए कुछ ना कुछ कान में डालना जरूरी है, उस समय वो निकालेंगे। ठीक है, आप सुंदर लग रहे हो मम्मी। थैंक यू बेटा, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलो मम्मी,
हाँ जी बढ़िया। तो हमारे साथ आ रहे हैं चाचा। चाचा जी आ रहे हैं। अब चाची तो मैं निकल दू, वो आ रही थी मेरे सामने निकल रही ड्यूटी कर। चाचा ताऊ जी मेरे साथ है। चाची भी स्कूल जा रही है। हाँ बेटा चलो 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 चलती है बेटा है। ये हम निकले नियाल ये हम बड़े सबसे बड़ी हम बड़े हम बड़े तो आप ही दीदी क्यों टेंशन ले रहे हो। चाचा कह रहे क्यों टेंशन ले रहे हो कुछ नहीं होता। चलो चलती हैं। चलो चलती हैं बोटी। चलो चलते हैं अगला खाने पे सही से खाना। चलते हैं श्री गणेश भगवान। चलो बोटी लेके जय गणेश भगवान जी की। ये फाइल वाला छोड़ दिया और बैकपैक वाला लेके बाय बेटा। पावर बैंक रख दिया। पावर बैंक मतलब मम्मी को अभी फोन का इतना ध्यान हो रहा है ना वहाँ पे आपको चलाने का मौका भी। पावर बैंक का चार्जर लिया। ये किसका है और क्या? ये तो मेरा चार्जर है और काला वाला काला वाला काला वाला साई जी आपने साई जी बोले आपने ध्यान रखना चाहिए खाने पीने का। हाँ हम ध्यान रखेंगे। चल हम बाय बाय। मामी आने वाला है मास्क ऊपर। चल ठंडा लग गया। उठो 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 उठो। दिल्ली बोले जीत के आना। क्या चल रहा है आजकल? आज चल रहा है खेल चल रहे हैं। क्या बोलते हैं उनको? ओलंपिक्स। मेरी मम्मी ओलंपिक बोल रहे हैं। हां ये जीत गई है। क्या कहते हैं इसको? ये जीत गया है। जीत गया है। 200 हॉस्पिटल से हम आ गए और फिर से यहाँ बारिश शुरू हो गई है पिछली बार की तरह। जब भी हम आते हैं ना यहाँ पे बारिश हो जाती है। और यहाँ पर है बंगला साहिब गुरुद्वारे। तो इतनी दूर आए हैं और यहाँ से गुजर के जा रहे हैं तो यहाँ तो जाना बनता ही है। पहले आई हो आप गुरुद्वारे? मैं ऐसे गुरुद्वारा का भी देखा भी नहीं। पहली बार देख रहे हो? ये सबसे बड़ा है यहाँ यहाँ दिल्ली में। हाँ मतलब जाता हूँ मुझे पता है। हाँ यहाँ काफी लोग आते हैं। कर्ता पूरक निरभोग निर्वैर अकाल मूरत अंजुनी सैभम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवई जे सोची लखवा। तो गाइस अभी शाम का 6 बज गया। हम घर आए बहुत ज्यादा थक गए थे और आज हमारा पोपट भी हो गया क्योंकि एंजियोग्राफी कराने गए थे लेकिन वो हो नहीं पाई। उससे पहले बहुत सारे 2-3 टेस्ट थे वो छूट गए थे वो कराए फिर मैंने और पूरा हॉस्पिटल का आज पूरा दिन भर चक्कर ही लगाया। और हमें एक और सजेशन मिल गया एक और डॉक्टर को हमने दिखाया वहाँ पे। उन्होंने बोला कि आपकी मम्मी के जो सपोर्टिव टेस्ट है बाकी टेस्ट है ना उनको देख के नहीं लग रहा कि मम्मी को दिल की कोई प्रॉब्लम है। और एक और टेस्ट उन्होंने बोला TMT वो कराओगे तो फिर एनजीओ की जरूरत नहीं पड़ेगी उसी में पता चल जाएगा मतलब उन्होंने ऐसा बोला। तो फिर से डेट्स मिल गई है 7 और 9 को जाना है वहाँ पे। और उसके बाद हम हॉस्पिटल से वहाँ पे एक गुरुद्वारा है बंगला साहिब गुरुद्वारा वहाँ चले गए थे और तब हम घर आ गए। तो आज अच्छा लगा फिर गुरुद्वारा जाके भी लेकिन टेस्ट नहीं हुआ तो उसको पता चलेगा सब टेस्ट होगा तभी पता चलेगा। और डिले पे डिले होते जा रहा है। आप लोग भी कह रहे हैं कि मम्मी को ऐसी कोई दिक्कत लग नहीं रही मे बी कोई और प्रॉब्लम हो। दो चीज़ें सिम्टम है घबराहट और पसीना आना तो मे बी ये किसी और चीज़ के सिम्टम हो लेकिन अब जो टेस्ट है उसी को देख के पता चलेगा ना क्या हो रहा है। तो अभी दोस्तों हम ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई और बारिश भी हो गई थी भीग भी गए। तो दोस्तों हम अगले ब्लॉग में मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखना और जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताती रहूँगी ठीक है। तो हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय लव यू ऑल।